والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات. يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة يا رب الشهداء اشفي صدور الشهداء بظهور الحجة يا رب المؤمنين اشفي صدور المؤمنين بظهور الحجة قبول يا دعاك لصلوات ما صلى على محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم صلوات الحمد لله رب العالمين رب الرحمن الرحيم کا پورے وجود کے ساتھ ہم عملی شکر ادا کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس منزل تک پہنچایا ہمارا نام ان محبین میں لکھ دیا انشاءاللہ جن کے بارے میں یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ من مات علی حب آل محمد من مات کا مطلب کیا ہے جو مر جائے ان کی محبت میں یعنی اس کی پوری زندگی وقف تھی تو موت بھی اسی محبت میں اسی طرز زندگی میں ہے جس میں حیات ہے جب بھی ہم کہتے ہیں نا جو مر جائے اور اپنے دور اور زمانے کے آقا اور مولا کو نہ جانے یعنی مر جائے سے مراد یعنی پوری حیات اس حیات پر اس کی عاقبت ہو رہی ہے تو یہاں کہا جا رہا ہے من مات علی حب شریکت الحسین کیا ہوگا جو زینبی خوشبو کے ساتھ چلا جائے آپ کو بتایا ہے رومان اور فتان اس کی خوشبو سون کر جھوم رہے ہوں گے وہ فرشتے اور یہاں خوشخبری دی جا رہی ہے کچھ اور فرشتوں کی جن فرشتوں کا نام ملائکۃ الرحمہ الخاص الخاص فرشتے ہیں کہا یوں جا رہا ہے من مات علی حب شریکت الحسین جعل اللہ قبره مزار ملائکت الرحمہ رب ذوالجلال کچھ ایسا کرم دکھائے گا کہ اس شخص کی قبر کو مزار ملائکت الرحمہ قرار دے دیتا ہے جب محب آل نبی اور نبی کا یہ عالم ہے تو خود جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا کیا مقام ہوگا غور کیا آپ نے آپ کا قبر مزار ہے یعنی جہاں مسلسل فرشتے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم پڑھتے تو ہیں سورہ بقرہ میں وَيُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ لیکن غیبی جو امداد ہے ہماری غیبی جو وجود ہے فرشتوں کا اللہ نے ہمارے لیے خاص الخاص رکھا ہوا ہے اس پر ہماری توجہ کم ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ہم اکیلے ہیں کوئی نہیں ہے کہاں آپ اکیلے ہو آپ کیسے لونلی فیل کر سکتے ہو
अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश में हैं कि इन 9 डेज़ को आशूर से पहले पहले इतना अपने आप को पाक कर दें कि इंशाअल्लाह हमारी खुशबू कल्ब ज़ैनब कुबरा तक पहुँचे और सैयदा हमारे लिए दुआ करें। और इन स्टेप्स को उठाने में भी हमें दुआए उख्तुल हुसैन की ज़रूरत है। बीबी से ही तवस्सुल करें, जो मुझ जैसे नालायक है वो बेशक एक 5 सलावात पढ़ें, जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को तोहफ़ा दें और बीबी से ये मुआमला करें कि बीबी मैंने इन मराहिल को तय करना है, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, आप ही मेरी मदद करेंगी ताकि मैं कनीज़े हकीकी उम्मुल मसाइब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा बन सकूँ। सलाम पहला कदम हमने समत का उठाया, दूसरा कदम समत यानी सुकूत, यानी वो खूबसूरत सा इंतखाब करके इख्तियार करके ज़बान को लगाम देना। हदीस में है अल्मुमिनो मुलजम, लजाम से लजम यानी कंट्रोल, लजम और कंट्रोल पूरा उसका अपने ऊपर होता है, इसलिए मोमिन को मोल जम कहा जाता है। और दूसरा स्टेप हमारा था याकवा का, बेदारी का, वो बेदारी जो इल्म व हिकमत के साथ हमें जगा रही है। और आज तीसरा कदम जो हमने उठाना है कल्ब जनाब बिन्त ज़हरा तक पहुंचने के लिए, वो है फरागत का। फरागत जिसे आप मुहासिबा भी कह सकते हैं, फरागत ले ताअतिल्लाह, वो आता है जब आप सही तरह अपनी ज़िंदगी में विज़न को क्लियर करके आप अपनी ज़िंदगी के लिए हर रोज़ के लिए खूब बेहतरीन प्लानिंग रख सकते हो। ये पता ना हो कि पता नहीं मुझे क्या करना है। अफसोस के साथ हम ख्वातीन ख़ास तौर पर हमारा विज़न हदफ पर्पस क्लियर नहीं होता, इसलिए एक बहुत बड़ा कमाल हम यही कर लेते हैं, हम कहते हैं जी शादी के बाद मैंने पढ़ना है या जॉब करना है, बस इस दो के अलावा और कुछ इतना हमें बोलना नहीं आता। जबकि निकाह के वक्त बच्ची जो है वो बहुत ताकतवर होती है, अल्लाह ने उसे बहुत से हुकूक दे रखे हैं। और हदीस में है निकाह एक रिक है, रिक यानी एक आप खुद सवाब के खातिर अपने आप को किसी के साथ बांध रहे हैं, और ये बड़ा मुश्किल और संगीन अमल है। सोच समझ के किसी से अपने आप को मंसूब करें और उसमें ठीक ठाक आप शराइत रख सकते हैं, ठीक ठाक बुराई नहीं है। ये हमारा थोड़ा सा पाकिस्तानी माशरा है जिसमें अगर माँ बच्चे को दूध पिलाए और कहे मुझे कुछ दो तो हमें बुरा लगता है ना, ये कैसी माँ इतनी संगदिल है। लेकिन इस्लाम बहुत प्रैक्टिकल है, बाज़ जगहों पर हमारी समझ वहाँ तक नहीं पहुँचती, हम कहते हैं नो इट डजंट सूट अकॉर्डिंग टू आवर कल्चर। लेकिन फिर कभी कभी फिर हम इतने मजलूम बन जाते हैं, अपने लिए एक विज़न एक हदफ एक ज़िंदगी में पर्पस लेकर आगे 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 हरकत नहीं कर पाते और फिर हम कहते हैं हम स्टक हो गए, हम क्या करें। लेकिन इस्लाम तो आपको हल बता रहा है, ठीक है, अदब से अखलाक से। इसका मतलब ये यकीनन ये नहीं कि आप खुदा न खासा बदतमीज़ी करें, यहाँ मकसद ये है, ये बताया जा रहा है कि करबो बला की वजह से हमें ये पता चल गया कि दुख्तर अली ने अपने निकाह में एक कैद शर्त रखी थी, वो करबला की वजह से पता चला, वगरना तमाम बीबियाँ तमाम दुख्तराने आइम्मा मासूमीन और सही उनकी जो कंपेनियन सहाबियात थी उन सब की ज़िंदगी में क्लियर 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 विज़न होता था, अदब होता था। बाकायदा आप कहें
मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है, मेरे यहाँ तक इंशाअल्लाह असल तो क़ुर्ब इलाही है मेरा, मैं इस फील्ड के ज़रिए अल्लाह को राज़ी कर सकती हूँ और उसके लिए मुझे ये चाहिए होगा, ये चाहिए होगा, ये चाहिए होगा, और ये सारे शरायत हम अगर दे दें तो सवाब है, अजर है, गुनाह तो दूर की बात, नखरे भी नहीं है। हमारे बुजुर्ग ये ना कि ये लड़की बहुत डिमांडिंग है, ये बहुत नखरे वाली है, नहीं, अगर वो अच्छी चीज़ मांग रही है, कोई हदफ़ मुकद्दस अपनी ज़िंदगी में रख रही है, तो हम सब के सब उसका साथ दे, क्योंकि ज़िंदगी शुरू होती है शरीक हयात के साथ, पढ़ाई शुरू होती है, काम शुरू होता है, ज़िंदगी का आगाज़ होता है, आप हदफ तक जाते हैं, तो हदफ का क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अफसोस के साथ हमारे पास जब इल्म व हिकमत नहीं, विज़न नहीं, तो हदफ भी नहीं होता ना। आप देखिए क्या खूबसूरत हसीन ये सीरत हमें सिखा रही है कि जनाब उम्मुल आइम्मा से जो अहादीस मिलती है, ख़ुद कर्बोबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जो अहादीस मिलती है कि ये दुनिया क्या है, मेरा विज़न दुनियावी नहीं होना ना, मैंने दुनिया को समझना है जहाँ मैं हूँ। रहिमल्लाह मिन ऐन फी ऐन इला ऐन, ये दुनिया क्या है। मैं आपको एक एक हदीस पंजतन से तकरीबन बताती हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते, हदीस कुदसी है, रब इस बात को इतना अहमियत देता है कि रब कह रहा है, या अहमद ला तकुन सबिया, ए अहमद बच्चे ना बनो, बालिग हो जाओ, हमें समझाने के लिए सबी ना बनो, या अहमद ला तकुन सबिया इदा रा अल अख़ज़र वल अस्फ़र, जब तुम कोई ग्रीन चीज़ कलरफुल चीज़ देख लो तो उसकी तरफ एकदम से मजजूब हो जाते हो और कहते ये मेरी ज़िंदगी का हदफ है, मकसद है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ये बच्चेगाना हरकतें हैं, इन आँखों को बहुत अहमियत हासिल है, ये विंडो है, ये बेहतरीन मआरिफ अल्लाह के इश्क मोहब्बत तहारत कल्ब तक पहुंचाने के लिए एक चैनल है, इसका बहुत ख्याल रखो। कुरान ने दो जगह फरमाया, अल्लाह ने कहा ला तमुज्जन्ना ऐनैका, जब मैं ये आयत पढ़ती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि हमारी आंखें हमारी निगाहें इतनी अहम हैं कि मेरा रब लिटरली हमें कह रहा है कि इधर देखो इधर ना देखो। वाह क्या बात है, हम क्वीन है, ये लोग फख्र करें कि हम पर इतनी अल्लाह प्यारी प्यारी रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि आपकी निगाह कितनी वैल्यू रखती है। हदीस कुदसी, रब कह रहा है ए मेरे अहमद बच्चा ना बनो। हम बच्चे हैं ना, हम जब मॉल जाते ये देखा वो देखा, ये भी दिल चाह रहा है वो भी दिल चाह रहा है और वो भी इसी तरह इतना खूबसूरत प्रेजेंट कर रहे होते, ना सिर्फ मॉल, ये जो मॉल है यू नो स्क्रीन पर, या अल्लाह इधर गए उधर गए, आप ये सोचे जितना आप देखते चले जाएंगे यू नो वो खुद ब खुद दिल में उतरता जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, उसका इम्पैक्ट रहता है पिक्चर्स का और एनिमेशंस का। जब बहुत से लोग ब्राइब रिश्वत लेकर मासूमीन के पास असहाब के पास आते थे, पता है वो देखते भी नहीं थे, देखना बहुत अहम होता है। एक मर्तबा किसी ने कहा अगर ये देखेगा ना इतने कॉइन्स है इसका दिल खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगा, और इतने सारे पूरा संदूक लेकर आया और उसने खोला ही चाहा, उसने रुख मोड़ लिया, कहा मैं देखना ही नहीं चाहता। देखना कितना अहम है, खुदा रा इतना ना देखे क़यामत के दिन हमें वो वक्त दिखाया जाएगा जो हमने विंडो शॉपिंग या स्क्रीन शॉपिंग या ऑनलाइन शॉपिंग में इतना गंदबला जमा कर दिया है। मुझे कभी कभी लगता है ये हमें ज़रूरत ही नहीं है, ज़बरदस्ती हमें कहा जा रहा है ले लो ये ले लो। या अहमद ला तजअल कस्सबी, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये हदीस, में कहती या अल्लाह कब हम बालिग होंगे, कब हम आकिल होंगे कि सही शॉपिंग करें,
दुनिया सूक, उन दुनिया सूक है, एक बाजार है। यहाँ बेहतरीन शॉपिंग क्या है? ईमान और तकवा और ज़ैनबी होना। सलवात दे दीजिए। बारे दीगर सलवात मोहम्मद वाले। पहली हदीस हदीस नबवी और दूसरी हदीस हदीस अलवी है, जिसमें मौला अली फरमा रहे हैं अला हुर्रुन यदउ हाज़िहि लुमाज़ा, कोई है जो इस दुनिया को छोड़कर उस उखरा की तरफ जाए। लुमाज़ा कहते हैं जो दांतों में बचा हुआ खाना होता है। मैं हर साल शायद इस हदीस को पढ़ती हूँ, मुझे इतना पसंद है। आप सब ब्रश तो करते ही होंगे, ठीक है? बहुत शायद कुछ लोग फ्लॉसिंग करते होंगे, कुछ नहीं भी करते होंगे। फ्लॉसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सही है? ज़र्रात को निकालना, सही, एक स्टिक के ज़रिए जो आप निकाल रहे होते हैं, उस वक्त जब ज़र्रात निकल रहे हों तो कितने गंदे। कोई आके कहे मुझे ये ज़र्रा चाहिए, जो फ्लॉसिंग तुम कर चुके हो वो मुझे दे दो, उसमें जो कचरा है वो मुझे चाहिए। मौला अली फरमा रहे हैं ये दुनिया लोमाज़ा है, उस ज़र्रात की तरह है जो पिछली नस्लें छोड़ के चली गई, उनका बच्चा कुचा है जिसके लिए तुम लड़ रहे हो कि ये मेरा है, ये मेरा है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अला हुर्रुन, मुझे कोई हुर्र क्यों नहीं मिलता? आज़ाद ज़ैनबी, क्यों कोई ज़ैनबी नहीं है? और यदा यानी छोड़ दे, यदा हाज़िहि लुमाज़ा, इस लुमाज़ा को छोड़ दे। ये दुनिया की सारी लड़ाई झगड़े फसाद, इसकी बातें उसकी बातें, ये सब लुमाज़ा है, ठीक है? सिर्फ पैसा कपड़ा नहीं, खाना नहीं, जब बातें भी लुमाज़ा है, जो फजूल हम बातें कर रहे होते हैं। दो हदीस होगी। नंबर थ्री, मेरी सैयदा हम सब की रूहानी माँ फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, आप फरमाती हैं इन्नी ला उहिब्बु दुनिया, जिस तरह फरजंद फातिमा शब आशूर फरमा रहे हैं अल्लाह या आलम, सिर्फ रब जानता है कि मुझे नमाज से कितनी मोहब्बत है। लोग क्या जाने कि हुसैन इब्ने अली का दिल किस तरह से नमाज के लिए तड़प रहा होता है। इसी अंदाज में उम्मुल हुसैन फरमा रही है इन्नी ला उहिब्बु दुनिया, जब दुनिया की बात आती है, पूरा नहजुल बलागा गवाह है, जनाब सैयदा के कलाम गवाह है कि आपका लबो लहजा कुछ इस तरह होता है कि ये तुम्हारी दुनिया जो है ना, जो तुम्हें बहुत अजीज़ है, ये मेरी नज़र में ऐसी है, ये तुम्हारी दुनिया बकरी की छींक की तरह है, क्योंकि सबसे गंदी छींक जो है वो बकरी की होती है, उसके साथ गलाजत निकलती है। नहजुल बलागा ने कहा इस छींक से निकलने वाली गलाजत के लिए तुम लोग क्यों लड़ते हो, क्यों इतने परेशान हो? देखिए हदफ ज़िंदगी का खुद ब खुद क्लियर हो रहा है, ठीक है? आप निकाह के वक्त अब आप शराइत लगाना चाह रहे हो, अगर आप कनीज़े उम्मुल उलूम होंगी तो आपके शराइत भी इल्मी इल्मी हो जाएंगे ना। ये दुनिया और हमारे गम इतने हकीर हैं, ख़ास तौर पर जब आप गमे गमे ज़ैनब कुबरा के सामने उनका जो दर्द है, उनकी ज़िंदगी का जो हदफ है, उनका जो हुज़्न है, उसके सामने अपना हुज़्न रखें तो हम शर्मिंदा हो जाते हैं कि अरे मेरा तो गम ये कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, मैं महदूद है इसी दुनिया के बारे में है और बस यहीं पे मैं घूम रही हूँ, और ये मेरी सैयदा का गम हमें जन्नत तक पहुँचाने का है, वो गम कहाँ, मेरे छोटे छोटे दर्द व दुख शिकायतें कहाँ। कितना इंसान अपने आप को हकीर समझता है और अपने गम को फिर भूलकर अपनी फिक्र को ऊंचा ऊंचा ज़ैनबी बनाता चला जाता है, हदफ बुलंद हो जाता है और कुर्बत बढ़ती चली जाती है। लिहाजा इन्नी ला उहिब्बु दुनिया, यू नो वाई, बिकॉज ये इब्राहिमी ख़ानदान है ना। आई लव दिस आया, यू नो आई नो आप सबको ये आयत पसंद है,
के बुत शिकन या दुनिया के खुराफात को ख़त्म करने वाले इब्राहीम खलीलुल्लाह का ये नारा कुरान में लिखा हुआ है, इन्नी ला उहिब्बुल आफिलीन। जब सूरज को देखा, चांद को देखा, तो क्या फरमाया जनाब इब्राहीम ने कि मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है जो परमानेंट ना हो, जो गायब हो जाए, जो ढल जाए, जो ख़त्म हो जाए। इन्नी ला उहिब्बुल आफिलीन, ये सब आफिल है, जो भी है आने जाने वाली चीज़ें हैं, मुझे इनसे अटैच नहीं होना। आप जब दुनिया में भी कोई चीज़ लेते हो, आजकल दुनिया जो है वो मेकअप की तरफ, हुस्न ज़ाहरी की तरफ, कहते शैतान को पता है कि इंसान मर जाए, खप जाए, अच्छा कपड़ा पहनने के लिए खूब तगोदो करेगा और उस कंपटीशन में वो अपनी कमर तोड़ देगा। बनाओ कपड़े, कपड़े पे कपड़े बनाओ, ये ब्यूटी और इन्हेंस करने वाली चीज़ें, लोग क्या कुछ नहीं कर रहे। अब जब लोग करते हैं कुछ, तो कहते हैं हमें क्या चाहिए, परमानेंट मेकअप या परमानेंट, जल्दी से ख़राब ना हो। कोई चीज़ आप ख़रीदते, परफ्यूम ख़रीदते, आप कहते हैं इसकी खुशबू कितनी देर तक रहती है, जल्दी ख़त्म हो जाती है, नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो बहुत सस्ती सी चीज़ है ये, और जल्दी फट जाएगा, नहीं चाहिए, जल्दी हो जाएगा, नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, जो कायम रहे, दाइम रहे, जो मजबूत हो, जिसमें कोई जान हो। लेकिन जब ज़िंदगी में हम हर रोज़ सुबह उठते हैं तो हमारे पास चॉइसेस होते हैं ना, हम खुद चूज़ कर रहे होते हैं क्या बोलें। मेरे पास हज़ार चॉइस है, मैं खुद वो बोल रही होती हूँ, क्या देखूँ, मैं खुद चूज़ करती हूँ कि मैंने ये देखा है। ये सुबह ज़ैनबी पर मैंने कुछ अहादीस जमा की है कि अगर ज़ैनबी आचर और ग़ुरबत के साथ सुबह करनी है, तो इस हदीस को अपने तमाम सेल्स और डीएनए में रचा बसा दें कि हदीस कह रही है, मन असबहा व अमसा व अकबरो हम्मिह दुनिया जअलल्लाहुल फ़क्र मिन बैन ऐनैहि व जअलल्लाहु शत्तता अमरहू। परवरदिगार आलम यूं कहता है कि अगर कोई सुबह उठे और उठते ही उसका हम व गम व फ़िक्र और टेंशन जो है वो बस ज़ाहरी चीज़ें हैं, दुनियावी चीज़ें हैं, और हम दौड़ में लगे हुए भाग रहे हैं, स्टॉप नहीं, यानी फरागत नहीं है हमारे अंदर, रुकते नहीं हैं हम, ये जो एक अजीब दौड़ लगी हुई इसने हमें नाकाम कर दिया है, का जो उठते ही इसी गम व फ़िक्र में कि मैंने क्या करना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, और टेंशन अगर ले रहा है तो क्या है, उसके काम पेचीदा से पेचीदा, काम ख़त्म ही नहीं हो रहे, बरकत ही नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं मुझे जल्दी सारे काम ख़त्म करने हैं, मैं बहुत बिज़ी हूँ, और मैं छोड़ क्या रही हूँ उस बिज़नेस में, मैं एक तवस्सुल करना छोड़ रही हूँ, कुरान पढ़ना छोड़ रही हूँ, नमाज के बाद लंबे से सजदे करना छोड़ रही हूँ, सब छोड़ रही हूँ, भाग रही हूँ, भाग रही हूँ, भाग रही हूँ, भाग रही हूँ। अल्लाह कह रहे भागो भागो भागो, अभी बताता हूँ, अभी बता दो, और आगे और पेचीदगियाँ आती चली जाएंगी। और फ़क्र यानी वही डिप्रेशन, यू नो, ये लाइक अनहैप्पीनेस, अनसेटिस्फैक्शन, अजीब बेचैनी सी, ये फ़कीर है ना, सबसे बड़ा फ़क्र यही है, वो आता चला जाएगा, आता चला जाएगा, और मिलेगा क्या, कसम खाकर खुदा ने कहा है, वला युक़स्सिम, नहीं मिलेगा उसको, इल्ला मा क़स्सिम रिज़्क, जो उसके हिस्से में लिखा है उतना ही मिलेगा, जितनी भी दौड़ लगानी है लगा दो। और दूसरा शख्स आप जैसी नूरानी मोमिनात, मन असबहा व अमसा व अकबरो हम्मिहिल आखिरा जअलल्लाहुल उमूरहु जमा, परवरदिगार आलम देख रहा है कि आप सुबह उठते ही कह रही हैं, या रज़ाको या साहिबुल असर व ज़मान, आप पर सलाम हो, आपके ज़रिए मुझे रिस्क मिलेगा, ए मेरे मौला, आपको अल्लाह ने वसीला बनाया हुआ है, जो मुझे मेरे बस में है मैं कर रही हूँ, बाकी सब रब पे। यह हदीस कुदसी है, रब कहता है कि तुम अपनी ड्यूटी अंजाम दो, आते अनी मिम्मा अमर तुक, जो मैंने इता जो कहा हुआ अमर दिया है उसकी इताअत करो, वला तो अल्लिमनी मा युसलिहुक। देखिए ये रब के अल्फाज है, हदीस कुदसी है,
मेरी इताअत करते जाओ, लेकिन मुझे नहीं सिखाओ कि तुम्हारे लिए बेहतर क्या है। हम सिखा रहे होते परवरदिगारा ये अव्याली यूनिवर्सिटी मिल जाए, या अल्लाह मुझे ऐसा लड़का मिल जाए, या अल्लाह मेरी बहू ऐसी हो जाए, ये मिले, यही खानदान मिल जाए, मैं इसी शहर में रहूँ, मैं इसी कंट्री में चली जाऊँ, मुझे यहाँ ही रहना है, बस यही मेरे लिए बेहतरीन है। ज़िद पे ज़िद पे ज़िद लगी हुई, और फिर कहते हैं अल्लाह दुआएं तो कबूल ही नहीं होती, मैं तो नाराज़ हो गई अल्लाह से, लोगों से शिकायतें कर करके थक गए। आप अल्लाह बेचारे को विक्टिम बनाना शुरू कर देते। अक्सर लोग जब कहते हैं ना मेरी दुआ कबूल नहीं होती, तो मैं अंदर ही अंदर सोच रही होती हूं कि दुआ कौन सी दुआ, दुआ मींस व्हाट, दुआ यानी अल्लाह से हम कलाम होना ना, वो तो सबसे बड़ी बात है, वो तो आपको तौफीक मिल गई। दुआ यानी रब से दर्द दिल करना, वो तो आपने कर लिया। ये जो आप खुद बता रहे हैं रब को कि यू हैव टू डू दिस फॉर मी, यू नो ऐसे बॉसी हम बने हुए होते हैं, ये हमें किसने सिखाया है? हमें तो कहा गया जो बेहतर है या रब वो कर दे, मुझे लगता है ये है, लेकिन तेरी मर्जी, यही बताया हुआ ना, हमें तो यही सिखाया। हमें तो नहीं कहा हम फिक्स करें सब कुछ, बता दें कि ऐसा 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 होना चाहिए, ये दुआ है ही नहीं। मुझे याद एक रिसेंटली खातून विडो हुई और उनके हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन मुझे रोते हुए कहती है कि मुझे तो शर्म आती है दुआ करते हुए, मैं कहूँ परवरदिगारा मुझे घर दे दे, मैं कौन होती हूँ ये कहने वाली, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, ना 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 ना, मुझे बहुत शर्म आती है, मैं सोचूं, इतना मुझे अच्छा लगा वो पूरी कन्वर्सेशन में जिस अंदाज से उसने मारिफत के साथ कहा। और हम लोग कभी हादी टीवी में जब लाइव प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं मुकद्दस मकामात से, कभी कभी दुनिया भर से ख़वातीन ख़ास तौर पर और मर्द भी पूछ रहे होते हैं, कहते जी आप अभी दुआ करें जाएँ कि कहें कि मौला से हमें घर मिल जाए, आप अभी जाके दुआ करें मौला से कहें कि मेरी मेरी नौकरी लग जाए, मुझे इतनी शर्म आती, मैं कहती हूँ या अल्लाह ठीक है वो भी आ जाते हैं, लेकिन इस तरह इसरार करना और स्पेसिफिकली उसी पर स्ट्रेस करते रहना, यह हमें जेब नहीं देता। तो ये दुनिया जिसके बारे में नबी ने यूं हमें पैगाम दिया कि रब ने कहा ए अहमद बच्चा ना बनो, इन रंगीनियों को देखकर तुम्हारे हवास, तुम्हारे जो हदफ है उससे तुम दूर ना हो जाओ। मौला अली ने कहा कि इस जर्रात बचे हुए दांत में जर्रात की तरह इससे चिपके ना रहो। मेरी बीवी ने कहा इन्नी ला उहिब्बु दुनिया, हमें आफिलीन पसंद नहीं है, जो ख़त्म हो जाने वाली टेम्परेरी दुनिया है। और हम सब के आका मौला अबा अब्दुल्लाह हुसैन ने फरमाया अद्दुनिया का अल्लम यकुन, छोटी सी हदीस है, अद्दुनिया का अल्लम यकुन, ये करबला में आपने फरमाया है। अद्दुनिया दुनिया गोया है ही नहीं, ये तो एक साया है, एग्जिस्ट ही नहीं करता और वाकई नहीं है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, इसका लेवल इतना लो है, इतना लो है हर चीज़ में, कि जब हम उस हायर लेवल की जो एक्चुअल लाइफ है उसको देखेंगे तो कहेंगे ये अच्छा ये थी दुनिया जिसको हमने इतना बड़ा समझ रखा। कभी लड़कियां कहती हैं अल्लाह मेरी सास नहीं अच्छी, मैं क्या करूं अब सारी ज़िंदगी उसके साथ रहना है, तो मैं कहती हूँ सारी ज़िंदगी थोड़ी उसके साथ रहना है, वो हमेशा के लिए तुम्हारी सास थोड़ी है, बदल जाएंगी भाई, अभी अभी चले जाएंगे हम लोग, ख़त्म, ये दुनिया है, कोई बात नहीं, कुछ दिन की बात है, ये पूरी ज़िंदगी का मामला है। हम इसको पूरी ज़िंदगी समझते हैं, जब मैं यहाँ मूव हो रही थी कौम से लोग कह रहे अब हमेशा के लिए जा रही हैं, मैंने कहा हमेशा है ही नहीं, बस पता नहीं कितने लम्हात गुजरेंगे इस मुल्क में, हमेशा के लिए आप फॉर एवर, यू आर शिफ्टिंग फॉर एवर, ये एवर शेवर कौन सा एवर है जो हम इतना सर पे सवार कर लेते हैं। कितने क़यामत के दिन हम बहुत पछताएंगे कि मैं अपनी माँ के साथ, अपनी सास के साथ, अपने शौहर के साथ बहुत आराम से रह सकती थी, लेकिन नहीं रही, मैंने ख़ुद अपने जहन में बहुत सी कॉम्प्लिकेशन बना रखी है। जिस दिन हम इस नतीजे पे पहुँच जाएँ, बीबी आप पर सलाम भेजेंगी इंशाअल्लाह, सैयदा आपसे खुश होंगी इंशाअल्लाह, या आयतुल्लाह फातिमा निया शब और रोज़ कहते थे, नेमी छुनी
نمیتونی با خدا رفیق شی. الله کی معیت چاہیے، ان اللہ مع، معیت یعنی دوستی ہے، ساتھ ساتھ معیت چاہیے اللہ کی، رسول اللہ کی معیت چاہیے، جناب زہرا کی معیت چاہیے، زینبی بننا ہے تو نہیں ملے گا جب تک اس کو پاک نہ کر لو، جب تک لڑنا جھگڑنا ختم نہ کر لو. تو ہم نے اپنے آپ کو فارغ کرنا ہے، فارغ بہت ضروری ہے. میں قربان، میں صدقے اس حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. آپ فرماتے ان ابنتی فاطمہ قد ملا اللہ قلبها وجوارحها ایمانا وتفرغت لطاعت اللہ. پروردگارہ ان احادیث کا صدقہ جو ہم سن رہے ہیں، اپنے کان کو پاک کر رہے ہیں، بارِ الٰہ قیامت کے دن ان کانوں سے ہم اپنی سیدہ کی آواز سنیں، سیدہ ہمیں ہمارے نام سے پکار کر ہمیں بلائیں. پروردگارہ نبی کی اس گواہی کا صدقہ جس میں نبی فرما رہے ہیں کہ خدا جانتا ہے میری لخت جگر فاطمہ کا دل، جوارح اعز کلہم اجمعین، ایمان سے مملو ہے، ایمان سے رچا بسا ہوا. یا اللہ ہمارے اعمال جوارح قلوب میں بھی ایمان کی خوشبو عنایت فرما. اور پھر فرماتے ہیں نبی، یہ بہت اہم نقطہ ہے، آج کا سٹیپ ہے، وہ تفرغت، تفرغت للہ، یعنی باقاعدہ یہ اتنا اہم تھا آخرت جناب زہرا کے لیے کہ اس کے لیے سب سے اچھا ٹائم فکس کر رکھا تھا. یہ ٹائم فراغت بہت زیادہ ضروری ہے. ہم اس لیے فراغت میں بہت چوری کرتے ہیں، بہت زیادہ چوری. فراغت کیا ہے؟ آپ اس بھاگ دوڑ سے نکلیں ہم سب، اور پھر ایک وقت اپنے لیے واجب کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، مجھے اپنے لیے ایک یہ 30 منٹس چاہیے، میں اور میرا رب. آپ سجدے میں جائیں، بیٹھی ہوئی ہوں، جہاں پر بھی ہوں، ضروری نہیں ہے کوئی چیز آپ کی زبان پر ہو، دل ہی دل میں، وہ بھی کافی ہے. یہ سست ہے نا، لوگ کہتے آئے کہ اچھا یہ ذکر پڑھوں وہ پڑھوں. اچھا پڑھنے لگتے ہیں تو اس ذکر کے الفاظ پہ توجہ ہوتی ہے. اصل پیار جو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے نا اور اہل بیت کے ساتھ، وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ دل سے. جیسے انشاءاللہ آپ لوگ مجھے مس کریں، ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے مس کریں گی تو آپ کہیں گی اللہ بری نہیں تھی وہ، میرا دل چاہ رہا ہے راضیہ، تو آپ دل ہی دل میں آپ نے کہا، پھر آپ فون اٹھائیں گی، پھر آپ کہیں گی سلام علیکم راضیہ، زبان پر بعد میں آئے گا، پہلے دل میں. رب کو وہ دل چاہیے، دل ہی دل میں آپ حضور اللہ کے عشق، اللہ کی اس خاص محبت کو فیل کریں، وہ سب سے بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. ہمارے پاس بہت سے واقعات ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص ایسے ہی دل ہی دل میں کہتا ہے مجھ سے برا کوئی نہیں، یا رب تو مجھے معاف کر دے. کہتے قیامت کے دن اس کو اتنا اجر ملا، اتنا اجر ملا. فرشتے حیران ہو گئے، کہا یہ کون سا اجر ہے، اس نے کوئی عمل نہیں کیا اکارڈنگ ٹو یو نو از اعمال. تو پروردگار عالم مخاطب ہوگا کرام الکاتبین سے کہ اے میرے فرشتو، تم تو وہ لکھتے ہو جو وہ بولتا ہے یا کرتا ہے، میں ہوں علیم بذات صدور. میرے بندے نے دل ہی دل میں مجھ سے اتنی عاشقانہ مناجات اور گفتگو کی، اس کی دل کی عبادات کا ثواب صرف میں ہی دے سکتا ہوں، کیونکہ میں ہوں اور وہ ہے. یہ وہ وقت، اسے کہتے ہیں فراغت کا وقت، یہ واجب ہے نکالنا انشاءاللہ. ایک جو جب عبادت پر بات آتی ہے تو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہماری یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کچھ کرنا عبادت ہے. ماہ مبارک رمضان میں بھی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، لسٹ بناتے ہیں نا، یہ دعا پڑھ لے، یہ کر لے، یہ کر لے، یہ کر لے، بہت سی تسبیح کر رہے ہوتے ہو. اٹس اوکے، اٹس گڈ، ڈیفینیٹلی اس کا اثر ہے، لیکن جو
सही पहुँचे हुए औरफा है, वो कहते हैं ये जिक्र ही नहीं है। जब दिमाग इधर उधर हो और आपके सुभान अल्लाह बहुत इतना कम असर है कि उसको मानते नहीं हैं वो, क्यों? क्योंकि असल यहाँ से शुरू होता है। अब आप इस हदीस को देखिए, ये हदीस कितनी खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी हदीस जो बता रही है कि असल फरागत कहाँ से शुरू होनी चाहिए। और हमने भी वहीं से अपना सफ़र शुरू किया, जर्नी शुरू किया। कहते क़यामत के दिन एक बहुत ही खूबसूरत थैलस दिखाया जाएगा, वहाँ भी आपकी अपनी अपनी गैलेक्सीज़ होंगी, आपको पता है, क्योंकि वो लामहदूद दुनिया है। अब दुनिया में क्योंकि हमने सिर्फ पैलेसेस देखे हुए, तो हमें कहते हैं महल, कस्र, पैलेस, यू नो। और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो टेलीस्कोप है स्पेस का, जैम वेब, उसके ज़रिए पता चल रहा है कि क्या कुछ है। अब इंसान थोड़ा बहुत गैलेक्सीज़ और सुपर गैलेक्सीज़ और सब क्लस्टर्स के बारे में जानने लगा है, तो आपको दिखाया जाएगा कि ये देखो, ये एक एक महल है, लुलू फौक लुलू, ये एक अजीब लुलू और मोती से बना है, जो मोती से बालातर है, वो एक ही पीस से बना हुआ है, उसमें कोई जोड़ नहीं है। इस तरह सारी तफसीलात आई हुई है, इतना यूनिक है, इतना खूबसूरत है। कहा ये किन के लिए है, जिसको देखकर नबी हैरान हुए? तो कहा उनके लिए है जिन्होंने, जो दुनिया में जिंदान में रहते हैं, अल मसजूनून, जो सिजन में रहते हैं। कहा सिजन में, जिंदान में, जेल में, कौन सा जेल? कहा वो लोग जो अपनी जबान को जेल में रखते हैं, बंद करके रखते हैं। ऐसे लोगों को जो दिल से, अमल से अल्लाह को राजी रखते हों और फारग वक्त निकालते हो अपने और अल्लाह के साथ, सही है, न सिर्फ वो ज़ाहरी इबादतों की हम सिर्फ बात नहीं कर रहे, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन असल एक्चुअल शुरू यहाँ से हो, उनके लिए क्या कहा जा रहा है? खुदा कहता है अनज़ुरु इलैहिम फ़ी कुल्ली यौम सबईना मर्रा वा उकल्लिमुहुम। खुदा कहते हैं 70 टाइम्स मैं हर रोज़ वहाँ के लिहाज से, जो रोज़ है, हर दफ़ा उन पर देखता हूँ, उन पर नज़र करता हूँ और उनके साथ बात करता हूँ, यानी वो मेरे कलीमुल्लाह बन जाते हैं जन्नत के, जिनसे खुदा बात करना पसंद करता है। किन से खुदा बात करना पसंद करता है? जो यहाँ पर ज़्यादा बातें नहीं करता, एनर्जी ज़ाया नहीं करता और फारग रहता है, टाइम निकालता है अल्लाह के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक हदीस जो मुझे बहुत महबूब है, क्यों ना महबूब हो, मुझे पता है हदीस से थोड़ी आज ज़्यादा हो गई, मैं माजरत चाहती हूँ, क्योंकि हदीस कहते ही हदस, यानी जो हमें जवान बना दे, हमारी रूह को ताज़ा कर दे, जो हमें तरोताज़ा निशात हमारे अंदर लेकर आए, गज़ा दे हमारी रूह को, उसे कहते हैं हदीस। और ये हदीस है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक शख्स, एक मर्द आया रहलत नबी के बाद जनाबे उम्मुल आइम्मा के पास और कहा कि वो जो हदीस आपके बाबा की आपके पास अगर कोई है, मुझे वो हदीस सुना दे, वो हदीस दे दे। तो जनाब ज़हरा ने खादिम से कहा हदीस लेकर आओ, हदीस नहीं मिली। तो यहाँ पर उम्मुल उलूम रिएक्शन ले रही है, नहीं, नाराज़ हो रही है, सेंसिटिव हो रही है। देखिए हम लोग कहाँ सेंसिटिव होते हैं, हमारा गम छोटी मोटी चीज़ें, ये यहाँ क्यों नहीं रखा, वो वहाँ क्यों नहीं रखा, तो मैं नहीं पता मैं इतने बजे ये करती हूँ, इतने बजे वो करती हूँ, मुझे नहीं पता। आप लोगों का अखलाक बहुत अच्छा होगा आपके हेल्पर्स के साथ, वरना बड़ा हिसाब किताब सख्त है। ये जब मेरे घर में भी एक अपनी कोई रिश्तेदार हेल्प कर रही थी मुझे ईरान में, तो उनको जब आना पड़ा कोविड के दौरान, तो मेरे आगा ने सबसे पहले ये कहा अल्हम्दुलिल्लाह, यू नो, एक हिसाब किताब कम हो गया, क्योंकि जितने बंदे ज़्यादा, जितनी बातें ज़्यादा, जितने तवक्कुआत ज़्यादा, उतना हिसाब किताब ज़्यादा, हम जो बोल रहे हैं वो मिट ही नहीं सकता। ये जो टेलीस्कोप है जैम वेब का, वो भी सब बता रहा है कि ये कायनात, यू नो, बताया ना बिग बैंग तक पहुँचने वाले हैं, पीछे 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 पीछे, रिसर्च ने बताया जितनी आवाज़ें अव्वले खिलकत से अभी तक,
लोगों ने जो बोला है वो सब स्पेस में मौजूद है, उसको रिकॉर्डिंग को सुना, जो मिस्री अहराम में मिस्र बना रहे थे इजिप्शियन, वो बनाते हुए जो अरबी में या मिस्री जबान अरबी नहीं थी पहले, बाद में उन्होंने इश्क रसूल की वजह से अरबी को अडॉप्ट किया है। ये बहुत बड़ी फजीलत है मिस्र वालों की, मिस्र अरबी नहीं बोलते थे, इश्क इस्लाम में उन्होंने अपने आप को अरब बना दिया है, अब वो अरब कहलाते हैं। तो अपनी उस लैंग्वेज में वो जो अशआर पढ़ रहे थे काम करते हुए मजदूर, उन सबको भी कैप्चर किया गया। लेकिन जब देखा जो सबसे ज्यादा नूरानी आवाज, यू नो ये स्पेस बता रहा है, ये टेलीस्कोप बता रहा है, सबसे ज्यादा नूरानी आवाज, सबसे ज्यादा ताकतवर आवाज, सबसे ज्यादा दिल से निकलने वाली आवाज कौन सी थी? या हुसैन या हुसैन, हमारी जाने कुर्बान हो अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम पर। हदीस कहाँ है? कहाँ पता नहीं कहाँ है। अच्छा देखिए, काम हेल्पर है ना, वैसे ही पता है ना आपको, बताया अनस ने 10 years तक हेल्प किया हमारे प्रॉफिट को, लेकिन एक दफ़ा भी नहीं डांटा। बहुत मुश्किल है, हम कर चले कभी डांट भी दे तो कहे दिल से मैंने तुम्हें डांटा है, मुझे आज ही माफ़ कर दो। वो है ना चार काम करके सोने जाओ, नंबर वन इजी पीजी है, मैं अपने बच्चों को बता रही हूँ। नंबर वन, एक मरतबा कह दो अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिल्मुमिनीन वल्मुमिनात, सब के लिए दुआ करके चले जाओ। नंबर टू, सारे अंबिया औसिया के अरवाह को अपने करीब बुलाकर यू नो हीलिंग लेकर सोने जाओ। वो क्या है? सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये चार बड़े इजी पीजी और वही वाली बेबी स्टेप्स वाली चीज़ें जो आप अपने बेड के साइड टेबल पर लिख के लगाएं और करके सोएं, एक बड़ा मज़े का फरागत का आपका टाइम होगा, और ज़ैनबी और इंशाअल्लाह फातिमी बनने का वो हसीन सा आपके लिए फुर्सत होगा। तो नंबर वन क्या है? आपने सबको राज़ी किया, अरे राज़ी करें। नंबर टू आपने क्या किया? तमाम अंबिया को हाजिर कर दिया। बाज़ उलमा ने अपनी ज़िंदगी में देखा कि मेरी तशीह जनाजा हो रही है और तमाम अंबिया आए, कहा क्यों आए आप लोग? पूछा तो कहा क्योंकि तुम हमारे लिए दुरूद पढ़ते थे, तुम हमारे लिए सूरह तौहीद पढ़ते थे, कुछ ना कुछ पढ़ के भेजते जाएं, बहुत आसान है, एक 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 पाँच दफ़ा आप सलवात भेज के अगर भेज दें तमाम अंबिया को, आपकी डीलिंग हो जाती है। यही तो एजाज है इस इस्लाम का। हम कहेंगे एक पाँच सलवात और एक कुछ सूरह तौहीद से सारे अंबिया मेरी नमाज़े जमात में कहाँ आएंगे, नमाज़े मैयत में कहाँ आएंगे? हम तो ऐसे नखरे वाले ना, आजकल सेलिब्रिटीज़ को अगर बुलाना हो तो वो कितने नखरे करते हैं, हाय हाय मैं इतनी आसानी से, वो मुफ्त में थोड़ी आएंगे, मुझे तो उनसे पहले से टाइम लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसा हमने जहन बनाया हुआ। हम समझते हैं अंबिया को बुलाना भी बड़ा मुश्किल है। योम गदीर भी आपको पता है ना, आप एक बंदे को खाना खिलाए तो आपने अंबिया को अपने घर में दावत दे दी। लोग कहते हैं रियली ये हो सकता है? मैंने कहा जी बिल्कुल, कितना प्यारा ये दीन है हमारा। और नंबर थ्री हमें पता है कि हज करें, बेतुल्लाह जाएं, उमरा करें, तस्बीहात अरबा के ज़रिए, तीन कुल के ज़रिए पूरे कुरान का सफ़र करें, पाक होकर बिस्तर पर चले जाएँ। यहाँ जनाब सैयदा ने पूछा कहाँ है वो हदीस, खादिम ने कहा मुझे नहीं पता। ढूंढने के बाद आपने रिएक्शन लिया, कहा वो हदीस मुझे हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम के बराबर अजीज़ है। अगर हुसैन को कुछ हो जाए, अगर हसन को कुछ हो जाए, इसी तरह मेरे बाबा की हदीस है वो। और फिर ढूंढ ढूंढ के सैयदा ने उसको निकाला और जब पढ़ा तो पता है उसमें क्या था? एक हमसाए के हुकूक के बारे में था और एक लिसान के बारे में था, इतनी वो अहम हदीस थी। हमसाए के बारे में लिखा था कि मेरे बाबा ने कहा है हमसाया आपसे किसी भी तरह आजुर्दा ना हो। और देखिए इस पर इस तरह से अमल होता था कि यहूदी हमसाया उसकी दीवार और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के घर की दीवार एक ही थी और वो दीवार ख़राब हुई। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद,
इमाम ने कुछ नहीं कहा। देखिए हम लोग क्या कहाँ कहाँ बोलते हैं, हम समझते हैं ये मेरा हक़ है, हमसाए ने ये गलत काम किया है, उनकी तरफ से ये हो रहा है, ये मेरा हक है, मुझे बोलना है, मैं भोंगी नहीं हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे पता है अपना हक कैसे लेना है, यहाँ मेरा बोलना है, रो रो रो, चले शुरू। हम अपने आप को इतने रीजंस देते हैं और सारी एनर्जी इधर उधर ज़ाया करते हैं ना बड़े मज़े से, और समझते हैं बिल्कुल सही है, हम अपने यू नो अदालत के लिए काम कर रहे हैं। तो इमाम को तो यहाँ बोलना चाहिए था, नहीं बोला। एक मरतबा यहूदी की बीवी आई और उसने जब देखा कहा है ये हमारी वजह से आपको इतनी अजियत हो रही है, तकलीफ़ हो रही है, तो आप लोगों ने क्यों नहीं कहा। वो शख्स भी माफ़ी मांगने आया तो पता है इमाम ने क्या जवाब दिया कि यकूल जद्दी इकरामिल जार, मेरे जद ने मुझे सिखाया है कि अपने जार का, हमसाए का इकराम करो, एज़ाज़ करो। कोई मेहमान आता है, मेहमान का बच्चा कुछ गिराता है तो आप एहतरामन क्या करते हैं, कोई बात नहीं, दिल में गुस्सा आ रहा होता है, वो क्या है, एहतराम। कोई बड़ा आता है जिसका आप बहुत इज्जत कर रही है, एक बुरा काम किया, अल्लाह चलो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, क्यों कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, देखिए एहतराम है, इकराम है। बहुत सी जगहों पर थोड़ा सा नादीदा यू नो गफलत करना, अनदेखी कर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर ज़बान कम इस्तेमाल होगा। नंबर वन, हमसाए के बारे में, हमसाए आजकल मुख्तलिफ हो गए, हमसाए आपके कुलीग्स हैं, सही, आप देखिए अभी साथ साथ तशरीफ़ फरमाए, ये हमसाए, ये जूते जो आप सब उतार कर आते हैं, कितना बड़ा अजीम काम आप करते हैं, क्योंकि बहुत सवाब है, जैसे आप जूता उतार रहे थे, इंशाल्लाह कल मैं इसकी आयात भी पढ़ूंगी आपके सामने, क्या आपको अजर मिलता है। अब किसी के जूते के ऊपर आपका पाँव ना जाए, ये हमसाया है, ज़रा सा किसी का जूता टेढ़ा हो गया आपकी वजह से, उसने सीधा किया, उसने कहा अल्लाह पता नहीं किसने पाँव रख दिया, दुखी कर दिया ना आपने उसको, आपको उसका हिसाब किताब देना होगा। हदीस में है जूते के बकल को आप देख करके माय शूज इज यू नो ब्यूटीफुल और द मोस्ट यू नो ट्रेंडी वन, जरा सा आपके अंदर ये ख्याल आ जाए, हदीस में है, कहते हैं वही किब्र तकब्बुर प्राइड वहीं से आता है, यानी जूते से ही कहानियां शुरू हो जाती हैं, बहुत अहम वो पार्ट है, ये हमसाए के हुकूक है। और फिर मेरी सैयदा फरमाती है मेरे बाबा ने मुझसे कहा फलयकुल खैरन औ यस्कुत, अगर मेरी मोहब्बत और शफाअत चाहिए बोलना हो तो खैर बोलो वरना साकित रहो, और उस सुकूत के ज़रिए दिल में अल्लाह को उतारो, ये दिल खाली रहे, ये फरागत है। और मेरी सैयदा की दुआ, मेरी सैयदा की दुआ अय्याम फातिमिया में, बहुत साल पहले मैंने ये दुआ आप लोगों को सिखाई थी यसरब में, कि आपकी ये दुआ इतनी प्यारी है, माँ की दुआ, क्या दुआ है, अजीम दुआ, आप फरमाती हैं अल्लाहुम्मा फर्रिगनी लिमा खलक्तनी बार इलाह, जिस मकसद के खातिर तूने मुझे बनाया है मुझे उस मकसद के लिए फारिग कर दे। मैं हर काम के लिए अपने आप को फारिग कर देती हूँ लेकिन अपने मकसद से भूल जाती हूँ। मकसद क्या है, कलाम, इश्क इलाही, अल्लाह के कलाम से मैं दूर हूँ ना, कुरान से मैं दूर हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं अगर टाइम नहीं निकालूंगी तो फिर कहाँ जाऊँगी, फारिग हो गई, यू नो अपने मकसद से भी फारिग हो गई। मकसद के लिए फरागत टाइम निकालना औजबुल वाजिबात में से। आज हमने जिक्र करना है सैयदुल कुर्रा का, सैयदुल कुर्रा क़राअत, मुअल्लिम कुरान, खतीब ज़बरदस्त, जनाब मुस्लिम अव्वलीन शहीद, अव्वलीन असीर, अव्वलीन मुहाजिर, जिन्होंने तर्क वतन किया हुसैन की मोहब्बत में, अपने आप को असीर करवाया हुसैन की मोहब्बत में, शहीद हुए, गरीब थे हुसैन की मोहब्बत में, बारे इलाह हमें भी असीर इश्क हुसैन में गिरफ्तार कर दे, बारे इलाह हमें दरे हुसैन, कहते ना इमाम वो हैं युतअमून अत्ताम, जो खिलाते हैं मिस्कीनों को, बारे इलाह हमें मिस्कीने दरे ज़ैनब कुबरा बना दे। मेरे नबी ने मुस्लिम पर बहुत गिरिया किया,
और बार बार कहा कि हर एक को तौफीक नहीं मिलेगी कि वो तिफलान मुस्लिम पर गिरिया करे। ना आपको कोई जाकिर चाहिए, ना कोई मरसिया चाहिए। जब आप इराक जाते हैं कुफा में, वो छोटे छोटे दो गुंबतों को देखते हैं, मोहम्मद और इब्राहिम के, वहीं पर दिल मेल्ट हो जाता है। मेरे नबी इतना रोए, इतना रोए, रेशे मुबारक नहीं गीला हुआ बल्कि सीना, सदर नबी तक आंसू आंसू। किसके लिए? मुस्लिम के लिए। और नबी ने फरमाया, ये वो मेरा मुआविन है जो मेरे हुसैन के लिए अपने आप को, अपनी औलाद को कुर्बान कर देगा। अहले अज़ा जनाब मुस्लिम के जब आप मसाइब को पढ़ते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि कितनी शबाहत है अपने मौला से, अपने आका से। शबाहत बहुत कसीर है। जब मुस्लिम कूफा की गलियों में तन्हा रह गए तो क्या हुआ? कौन आया? कोई भी नहीं। मुस्लिम को एक फिक्र है। फिक्र क्या है? फिक्र ये है कि ज़ैनब कूफा आ रही है, मैं किसी को वसीयत कर लूं, कह दूं कि मैं गुरबत में गलियों में तन्हा फिर रहा हूं, कोई कूफा की जानिब ना आए, काश मुझे कोई वसी मिल जाए। लेकिन क्या देखा, एक खातून आई। जिस तरह मौला अमीरुल मोमिनीन मदीना की गलियों में जब रस्सन बांध कर ले जाया जा रहा था तो फातिमतुज़्ज़हरा ने दुआ किया, यहाँ मुस्लिम को बचाने वाली तौआ है। तौआ के घर से जब निकले जिहाद के लिए, रिवायत के अल्फाज है, मक्तल के अल्फाज बहुत ही हसीन है, जिसमें लिखा हुआ है कि मुहसिन ने, मुस्लिम ने क्या किताल किया, जअला युकातिलु हत्ता उस्खना बिल जरा, ऐसा जिहाद किया कि मुस्लिम का बदन जख्मों से सुराख सुराख चूर चूर हो गया। अरबी जबान में कहते हैं बदन भारी हो गया जख्मों की वजह से, खून के जरियान की वजह से। और फिर यरमूनहु बिलनबल वल हिजारा ज़ाफा मिन अल क़िताल। अब जब देखा मुस्लिम पर बहुत जख्म है तो दुश्मनों ने तीर और पत्थरों के जरिए मुस्लिम पर हमला शुरू किया। मुस्लिम का बदन कमजोर हो गया। कमजोरी से फरमाया वैलकुम वमा यरमूननी बिलहिजारा कमा तुरमिल कुफार। ए मुसलमानों, क्या हो गया है, मुझे पत्थर से मार रहे हो? इस्लाम की तारीख में ये पहली बार मुसलमान को पत्थर से मारा जा रहा था। मुस्लिम हैरान हो गए, पत्थर तो सिर्फ जानवरों को अगर तजलील करनी हो तो मारा जाता है, अहले कूफा में जानवर नहीं। अना मिन अहले बैत इल अंबिया इल अब्रार, मैं अंबिया अब्रार के अहले बैत में से हूँ। आज़ादारो आइए चले इमाम हुसैन की जाने। बिल्कुल आपको यही अल्फाज मिलेंगे। एक इंसान कितना अपने मौला से शबी हो सकता है? शेख मुफीद ने लिखा, जमीन करबला पर हुसैन तन्हा रह गए, जैसे मुस्लिम कूफा में तन्हा रह गए। बकिया वहदा सुम्मा अस्खना बिल जरा फी रासही व बदनही फवक़फल हुसैन। जब जराहत से बदन पारा पारा हो गया, हुसैन रुक गए, कद ज़ऊफा मिन अल क़िताल, अब जंग करने के काबिल न रहे। जैसे ही हुसैन रुके, अताहु हजर अला जबहतिही, एक पत्थर आया मेरे आका की पेशानी पर लगा, वो पेशानी जो सजदे इलाही में मसरूफ रहती थी। काश बात यहाँ ख़त्म होती। सुम्मा आता हो सहमुन लहू सलासतो शुअब मसमूम, उसके बाद एक तीर आया जहर
फलों वाला भी था, फवका अला कल्बे, वो मेरे हुसैन के दिल पर लगा। यहाँ हुसैन जमीन पर गिरे, एक माँ की आवाज बुलंद हुई, बुनैया बुनैया, ए मेरे लाल हुसैन, कतलू का व ज़बहू का व मिन अल माए मनऊक, ए मेरे बेटे तुझे कत्ल भी किया, ज़िबाह भी किया, पानी से रोक भी दिया। मैं बहुत अदब से कहूंगी, ए मुस्लिम, आपकी शहादत हो रही थी लेकिन आपकी बेटी की यतीमी का अंदाज कुछ और था। आतिका के सर पर हुसैन के हाथ थे लेकिन जैसे ही सकीना यतीम हुई, हाय शिमर मलून का वो नजिस हाथ, तेरे शहर में कितने जुल्म हुए, इस शहर में कभी मोहम्मद और इब्राहिम खून के दरिया में गर्क है, कभी मुस्लिम दारुल इमारा से गिराए जा रहे हैं। मज़लूम खानदान रिसालत, परवरदिगार आपकी आवाजों को रोजे मुस्लिम तक पहुंचाए। हमें ज़ियारत तिफलान मुस्लिम, कब्र की खाक जो मुस्लिम की है वो हमारी आंखों का सुरमा है। परवरदिगार खुदावंदा हमें ज़ियारत मासूमीन इनायत फरमा। इमाम असर इमाम ज़माना को इसने ज़ुहूर इनायत फरमा। इमाम के दिल को हमसे राज़ी रख, इमाम की दुआओं में हमारा नाम शामिल फरमा। हमारे दुआओं में इतना असर दे कि इमाम आमीन कहें। या रब हमारे दिल को ईमान से ममलू फरमा। हुब दुनिया दुनियावी मसाइल से आज़ाद हो के हमें हुर्रियत भरी ज़ैनबी ज़िंदगी इनायत फरमा। बार इलाहा अपने रब के लिए अपने लिए फरागत का वक्त निकालने की हमें तौफीक इनायत फरमा। या रब परवरदिगारा बहक मोहम्मद और आल मोहम्मद हमारे मरहूमीन की मगफिरत उनके दरजात को बुलंद फरमा। बानियान मजलिस की जो तमन्ना जो आरजू है, या रब तू अस्मा उस्सामीन है, सुन ले हाजरीन मजलिस की सुन ले। परवरदिगारा हमारी नस्लों को, खास तौर पर बानियान मजलिस की नस्लों को ता कयामत आजादार बानियान आजादारान अहले बेत में से करार दे। ईमान दिन ब दिन हमारे जवानों का बढ़ता चला जाए। या रब हमारी औलाद को बाकियात सालेहात बना। परवरदिगारा हमारी कमज़ोर बदनों पर रहम फरमा, हमारे कमज़ोर ईमानों को कवी फरमा। परवरदिगारा बहक मोहम्मद आले मोहम्मद हमारी आकिबत को ख़त्म बखेर फरमा। वो तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम। मातम हुसैन।